फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ पांच ऐसा फेज वर्ड्स जिसे हमें डेली लाइफ में बोलना ही होता है। यानी आज के इस वीडियो में हम गेट से रिलेटेड पांच फेज वर्ड्स देखेंगे और सीखेंगे किस कंडीशन में आप इनका यूज करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस लेसन की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहला वर्ड है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है जागना। जैसे अगर आपको कहना हो मैं 5 बजे जागता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई गेट अप एट 5 o'clock। अगर आपको कहना हो कि मैं जाग गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई गॉट अप। अगर आपको कहना हो कि हमें कब जागना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हेन हैव वी टू गेट अप। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि गेट अप का मतलब होता है जागना। गेट थ्रो का मतलब होता है कामयाब हो जाना या पास हो जाना। जैसे अगर आपको कहना हो वह फेल हो गया लेकिन मैं पास हो गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही फेल्ड बट आई गॉट थ्रो। यानी वह फेल हो गया लेकिन मैं पास हो गया या मैं कामयाब हो गया। मैं कामयाब हो गया, वहीं दूसरी तरफ वह हिम्मत हार गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई गॉट थ्रो। ऑन द अदर हैंड ही गेव अप। यानी मैं सफल हो गया या कामयाब हो गया, वहीं दूसरी तरफ वह हिम्मत हार गया। गेट ऑन का मतलब होता है तरक्की करना या प्रगति करना। अगर आपको कहना हो कि वह अपने कॉलेज में तरक्की कर रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज गेटिंग ऑन एट हिज कॉलेज। यानी वो अपने कॉलेज में तरक्की कर रहा है। मैं अपने बिजनेस में तरक्की कर रहा हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम गेटिंग ऑन इन माई बिजनेस। यानी मैं अपने बिजनेस में तरक्की कर रहा हूँ। गेट आउट का मतलब होता है बाहर करना। जैसे बाहर जाओ, गेट आउट। अगर आपको कहना हो कोई उसे बाहर करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे समवन गेट्स हिम आउट। यानी कोई उसे बाहर करो। मेरे टीचर मुझको क्लास से बाहर किए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई टीचर गॉट मी आउट ऑफ द क्लास। यानी मेरे टीचर मुझे क्लास से बाहर किए। आइए फ्रेंड्स, अब लास्ट वर्ड देखें। गेट बैक का मतलब होता है वापस आना। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं कल वापस आऊंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई गेट बैक टुमारो। वह जल्द वापस आएगी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी विल गेट बैक सून। मैं कुछ दिनों में वापस आऊंगा, आई गेट बैक विद इन फ्यू डेज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये पांचों फेज वर्ड्स बड़े शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा, तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि मैं देख सकूं कि आपने क्या सीखा, सही या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।